हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज जो मूवी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है हीट वेव, जो 2022 में रिलीज हुई। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अर्नी बारबराश ने। ये एक थ्रिलर फिल्म है जो कि एज सच कोई नई कहानी पेश नहीं करता, लेकिन अच्छे से थ्रिलर स्टोरी को प्रेजेंट करने में ये फिल्म सफल रही। क्योंकि बड़े बड़े घरों की लाइफ ही सीक्रेट और मिस्ट्री से भरी हुई होती है कि एंड तक समझ ही नहीं आता आखिर ये सीक्रेट्स होते क्या क्या है। दरअसल फिल्म शुरू होती है क्लेयर वैलेंस से, जिसके पेरेंट्स और एक सिस्टर की एक हाउस फायर में डेथ हो जाती है और सिर्फ क्लेयर ही थी जो सरवाइव कर पाती है। जब क्लेयर की फैमिली उस फायर में खत्म हुई तो 15 साल की बच्ची ने रिवेंज लेने का सोचा और अपने स्लम लॉर्ड जेकब स्मिथ, जिसकी वजह से उसकी फैमिली खत्म हुई थी, सेम वैसे ही क्लेयर उसके घर पर आग लगा देती है जिसमें जेकब की डेथ हो जाती है। इसके लिए क्लेयर को जेल होती है, लेकिन कोई एविडेंस न होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अभी 11 साल बाद क्लेयर अब एक फुली ग्रोन वुमन है, जिसने कुछ ही समय पहले रियल एस्टेट फर्म ज्वाइन की होती है जिसका हेड होता है स्कॉट क्रेन। अब एक दिन क्लेयर गर्मी के चलते एक होटल के स्विमिंग पूल में जाती है क्योंकि उसका दोस्त होटल रिसेप्शन में काम करता था और उसे चोरी छुपे वहां बुला लेता है। लेकिन क्लेयर अंदर आते आते एक लेडी के मुंह से आयरन साइट कैनरी के बारे में सुनती है, जिसका न्यू डेवलपमेंट प्रपोजल लेकर वो स्कॉट क्रेन के पास जाती है। लेकिन उसी रात वो होटल के पूल पर ब्यूटीफुल ईव से मिलती है, दोनों कनेक्ट करते हैं और दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ क्लेयर का आइडिया स्कॉट को पसंद आ जाता है और वो इस प्रपोजल के लिए हामी भर देता है। इससे स्कॉट के असिस्टेंट लेन को अफेक्ट होता है क्योंकि वो वैसे ही क्लेयर को पसंद नहीं करता था, और इस प्रपोजल के बाद तो स्कॉट क्लेयर को अपना असिस्टेंट बना देता है, जिससे लेन को और बुरा लग जाता है। एक दिन स्कॉट के घर पार्टी होती है जिसमें क्लेयर भी इनवाइटेड थी, लेकिन उस पार्टी में क्लेयर को पता चलता है कि कल जेनीवीव ही ईव है, यानी वो अपनी बॉस स्कॉट की वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और ईव पर नाराज भी होती है। लेकिन ईव आखिर में क्लेयर को अपनी बातों से मना लेती है। इधर स्कॉट क्लेयर को सेकंड चांसेस के बारे में बताता है कि जहां क्लेयर बड़ी हुई थी उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो प्रोजेक्ट स्कॉट की पहली वाइफ एनाबेल क्रेन का पैशन प्रोजेक्ट था। और साथ ही क्लेयर को पार्टी वाली रात एक फ्रेंड से पता चलता है कि एनाबेल की डेथ बड़ी मिस्टीरियस है, कि वो सडन गायब हुई जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर ईव और क्लेयर को किस करते हुए क्लेयर की ऑफिस कलीग देख लेती है। अब क्लेयर काफी परेशान थी कि वो स्कॉट से डील कैसे करेगी। यहाँ ईव भी बाहर गई हुई थी, तभी क्लेयर देखती है कि स्कॉट काफी परेशान नजर आ रहा है और किसी पर जोर जोर से चीख रहा था। उसे लगता है कि शायद स्कॉट को सब कुछ पता चल गया है। क्लेयर स्कॉट से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो वहां से निकल जाता है। उसी रात को क्लेयर को स्कॉट का टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था आई नो। ये देखकर क्लेयर स्कॉट के घर जाती है जहां उसे कोई नहीं मिलता और वो वापस से आ जाती है। अगले दिन वो स्कॉट का ही वेट करती है ऑफिस में, पर तभी वहां डिटेक्टिव पार्कर आता है। क्लेयर को समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है क्योंकि स्कॉट लापता था और उसका ब्लड उस घर पर था। या ये सुनकर क्लेयर पार्कर को सब बताती है, उसका और ईव का अफेयर, वो रात में स्कॉट के घर गई थी, सब कुछ। साथ ही पार्कर के साथ आर्लो आता है जो कि क्लेयर को पहले से जानता था, नॉट ऑफिशियल बट पर्सनल बिकॉज ऑफ डेटिंग साइट। अब क्लेयर समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से सब हो क्या रहा था, तो वो ईव को फोन करती है और ईव उसे सपोर्ट करती है। एक रात ईव चोरी छुपे क्लेयर के घर पहुंच जाती है और उसे भरोसा करने को कहती है, लेकिन फिर भी क्लेयर को ईव पर अब थोड़ा सा शक होने लगता है। पार्कर यहाँ ईव और क्लेयर दोनों से पूछताछ करता है और पार्कर बार बार पूछताछ में क्लेयर का पास्ट बर्निंग केस को बीच में लेकर उस पर शक करता है। साथ ही डीएनए करने पर पता चलता है कि स्कॉट के ब्लड पर क्लेयर का हेयर सैंपल मिलता है, जिससे उस पर पूरा शक चला जाता है। अब पार्कर और आर्लो क्लेयर के घर पर रेड मारते हैं, लेकिन तब तक होटल का उसका फ्रेंड क्लेयर को आगाह कर देता है और क्लेयर वहां से भाग जाती है और सीधा ईव के होटल पहुंचती है और ईव को पता चल जाता है। लेकिन तब तक क्लेयर को पता लगता है कि ईव एक फ्रॉड है, उसी ने जानकर क्लेयर को फंसाने की कोशिश की है फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम, जहां से वो उस प्रॉपर्टी की बात करती है। क्लेयर को कंफर्म भी हो जाता है कि आयरन साइट की उस प्रॉपर्टी को खरीदवाने के लिए क्लेयर को मोहरा बनाया गया था। अब क्लेयर आर्लो से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन फिर भी ईव के जीतने के चांसेस ज्यादा थे। अब आर्लो क्लेयर को बताता है कि पार्कर और ईव मिलकर बात दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एनाबेल की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए स्कॉट और ईव ने मिलकर एनाबेल को मारा था और पार्कर की वाइफ को उस टाइम बोन कैंसर था, जिसकी वजह से पार्कर को पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ को बचा नहीं
पाया, लेकिन ईव ने उसे अपनी तरफ किया हुआ था। यहाँ स्कॉट की डेड बॉडी मिल जाती है आयरन साइड के बर्निंग सेक्शन में, यानी कि स्कॉट को मारा भी क्लियर के तरीके से ही था, जस्ट बिकॉज उसका पास्ट बर्निंग था, अब इसलिए स्कॉट को भी जलाकर मारा गया था। अब आर्लो के कहने पर क्लेयर पार्कर को मिलने के लिए बुलाती है ब्लैकमेल करके, वहीं जो क्लेयर की ग्रोन अप प्लेस थी और वहीं एनाबेल को भी दफनाया गया था। वहां पहुंचते ही पार्कर आर्लो को मार देता है और क्लेयर को इंजर्ड कर देता है और फिर ईव को क्लेयर को मारने को कहता है। दरअसल ईव आजाद होना चाहती थी और इसके लिए वो क्लेयर को फंसा रही थी। वहीं लेन इज द वन हु किल्ड स्कॉट और उस वेपन को वो क्लेयर के घर पे प्लांट करके आया था। आप सोच रहे होंगे लेन ऐसा क्यों करेगा, तो वो इसलिए क्योंकि लेन स्मिथ था, यानी स्लम लॉर्ड जेकब स्मिथ का बेटा, और वो अपने डैड की डेथ का क्लेयर से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो भी इस प्लान में काफी टाइम से शामिल था। एंड में जैसे तैसे क्लेयर भागने की कोशिश करती है और इस हाथापाई में लेन को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। वहीं ईव पार्कर को मार देती है क्योंकि क्लेयर से वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्लेयर उसके मैनिपुलेटिव नेचर से तंग आ चुकी थी और वो उसे भी मार देती है। और एंड में क्लेयर इनोसेंट होती है और उसे सारी प्रॉपर्टी का पैसा मिल जाता है और वो भी बड़े सपने देखने लगती है। तो दोस्तों फिल्म यहीं पूरी हुई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये थ्रिलर फिल्म, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।